हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्वेंटी फोर नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है आपके फ्रेंड्स से वेरियस पोस्ट के लिए इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेसिफिक जिस पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं ये आपके ऑफिस अटेंडेंट मिस कार्यालय परिचारी की वैकेंसी है जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी फ्रेंड जॉबरास्ता डॉट कॉम पर आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को वेरीफाई और चेक कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे साथ में तो फ्रेंड्स अगर आप किसी अदर वैकेंसी के लिए भी आवेदन करना चाहें जैसे ड्राइवर के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए या डीईओ पोस्ट के लिए तो भी आपको फ्रेंड्स मैंने वीडियो पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे आप इसमें फॉर्म को फिल करेंगे तो फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं चारों ही वैकेंसीज़ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे जो कि फ्रेंड्स ऑफिस अटेंडेंट के लिए है आप सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा रजिस्टर हेयर पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले टाइटल आपको सेलेक्ट करना है टाइटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके नाम का तो फ्रेंड्स आपका पूरा नाम जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और इस नाम को आपको यहाँ पर कन्फर्म करना होगा नाम कन्फर्म करने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपकी मेल आई का आपको मेल आई डी पर एंटर करनी है इसके बाद जेंडर यहां पर सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन टेंथ यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो टेंथ आप सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर आप बिहार गवर्नमेंट में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं एक्स सर्विस मैन है डिफेंस सर्विस में तो आप यस या नो कर सकते हैं पी एच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ आप डिसेबिलिटी आपको देनी होगी नहीं तो आप इसमें नो करेंगे इसमें फ्रेंड से केवल बिहार के कैंडिडेट ही एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे कैटेगरी क्या है आपकी जनरल बी सी ई बी सी एस सी एस टी आप यहाँ से जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका डेट ऑफ़ बर्थ क्या है तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाते हैं आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेंड ओ टी पी पर आपको क्लिक करना है

तो यहाँ पर फैन से देखिए लॉग इन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है अब हैंड टू अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपको कम से कम दो से तीन दिन वेट करना होगा और दो से तीन दिन वेट करने के बाद ही आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा तो आपको पेमेंट करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा इसके बाद फैन जो एप्लीकेशन फीस आपके लगने वाली है वो आपको यहाँ पर शो करेगी आप मेक पेमेंट यूजिंग एस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहें तो आप कार्ड के फिल सेलेक्ट कर कर सकते हैं अगर आप नेट बैंकिंग यूजर हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं यूपीआई या पेटीएम है तो आप यूपीआई या पेटीएम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं यूपीआई पी आई से या यूपीआर का जो क्यू कोड है वो आप यहां पर जनरेट करके पेमेंट को अपना कंप्लीट कर पाएंगे तो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं और जब आपका पेमेंट यहां पर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर आपका पेमेंट जो है कंप्लीट

इसके बाद रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा मैरिटल स्टेटस सिंगल है मैरिड है डिवोसी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी आईडी प्रूफ आधार कार्ड वोटर आईडी, पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट या कोई अदर गवर्नमेंट आईडी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे उस आईडी का नंबर आप यहां पर मेंशन करेंगे अब आपका फ्रेंड्स कोई भी कट का निशान कोई मोल कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि विजिबल हो नहीं है तो आप नो मार्क की यहाँ पर एंट्री कर देंगे इसके बाद अगर आप ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर है फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार स्टेट के तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन सबसे पहले है स्कूल नेम तो फ्रेंड्स आपका जो स्कूल का नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा इसके बाद आपको यहां पर देना है आपके बोर्ड का नाम तो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी एंटर करनी होगी आपका रोल नंबर क्या है इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपने इसको कब पास किया है और आपका परसेंटेज कितना है यह जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और मैं यहां पर सिर्फ सैम्पल के तौर पर यहां पर डाटा एंटर कर रहा हूँ आपका जो एक्चुअल डाटा है वही आपको देना होगा इसके बाद है एड्रेस एड्रेस फ्रेंड्स आपको देखिए पूरा आपके अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना है एड्रेस लाइन वन टू या थ्री में जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपका फ्रेंड्स स्टेट है स्टेट सेलेक्ट कीजिए पुलिस स्टेशन आपका कौन सा लगता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी इसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर यह सेलेक्ट करने के बाद आपका पुलिस स्टेशन और पिन कोड देने के बाद अगर ये आपका सेम है एड्रेस तो सेमस पर क्लिक कर सकते हैं अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर इसकी करेंगे जब ये कॉपी हो जाएगा इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पर है फोटो अपलोड और यहाँ पर है सिग्नेचर अपलोड तो क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक कीजिए फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप इसे अपलोड कर सकते हैं तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म प्रिव्यू का तो आपने अभी तक जितनी भी जानकारी यहाँ पर फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं कि किस स्टेप आपको यहाँ पर चेक करना होगा अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैग जाकर इस गलती को सही कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे यहां से अनडिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद जो नेक्स्ट के लास्ट ऑप्शन है ये है फाइनल सबमिट का आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज मिलता है यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड आप यहां से अपना जो एक्नोलॉजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं या सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैंने जो आपकी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है कक्षा दस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारी की ये वैकेंसी है टोटल चौवन वैकेंसीज आपकी यहां पर जारी की गई हैं और आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आवेदन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर जो पोर्टल है इसमें फ्रेंड्स आपको अलग अलग फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है अलग अलग फॉर्म के लिए अप्लाई करना है और अलग अलग ही यह आपको यहाँ पर फीस देनी होगी कई पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अब इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जनरल की वैकेंसीज़ नहीं है जब जनरल की वैकेंसीज़ नहीं है तो आप इसमें ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट जनरल से ही आवेदन करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिहार विधानसभा सचिवालय की जो ये नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है बाकी की जानकारी आप जॉबरासा डॉट कॉम पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूबल फॉर वॉचिंग